गेहूं की कटनी और धान की रोपनी के बीच के समय में खेत खाली पड़े रहते हैं। इस बीच गर्मा मक्के की खेती कर किसान अच्छी आमदनी पा सकते हैं। जानकार कहते हैं कि झारखंड में गर्मा मक्के की खेती का बहुत स्कोप है। गर्मा मक्का यानी लगभग 20 जनवरी से 15 फरवरी तक बुआई की जाने वाली मक्का, इसी को हम लोग गर्मा मक्का बोलते हैं। और इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे खेत ऐसा होना चाहिए जिसमें कि पानी नहीं लगे और पानी की कमी भी ना हो। इसीलिए हम गर्मा महीना में गर्मा मक्का की खेती नाली में करते हैं, यानी रीज और फरो बनाते हैं, फरो में बुआई करते हैं। दूसरा चीज़, जब लगाना होता है तो खेत की तैयारी करने के लिए हम लोग 15 दिन पहले ही लगभग जितने भी गोबर की सरी हुई गोबर की खाद होता है 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डाल देते हैं। जितना संभव हो उतना डालना चाहिए। और बुआई करने के समय में खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लिया जाता है, जिससे कि जर्मिनेशन में, बीज के जर्मिनेशन में, अंकुरण में सुविधा हो। और इसकी बुआई जीरो टिलोज से भी होती है, जिसमें कि जीरो टिल ड्रिल का उपयोग किया जाता है। और बुआई करते वक्त बीज को ज़रूर उपचार कर लेना चाहिए, क्योंकि होने वाले बीमारी और कीड़ों के प्रकोप से बचाता है। अगर सही तरीके से गर्मा मक्के की खेती की जाए तो आमदनी अच्छी खासी हो सकती है। अन्य मक्के की फसल की तरह ही गर्मा मक्के की फसल भी होती है, बस इनमें कुछ खास बातों का विशेष ख्याल रखना होता है। बीज उपचार के लिए जैसे कीड़ा के लिए इमिडाक्लोप्रिड जो है बहुत अच्छी दवा है, 6 ml प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। और बीमारी से बचने के लिए बायोस्टीन से उपचारित कर लेना चाहिए 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से, छाया में सुखा करके, और तब बुआई करना चाहिए। और बुआई जो करें फरों में तो करें ही, साथ साथ बीज की गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर रखें, ज़्यादा गहरा भी नहीं और ज़्यादा ऊपर में भी ना रखें। और लाइन में करें, 2 लाइन की दूरी अगर सामान्य मक्का है तो 60 सेंटीमीटर रखें, और 1 लाइन में 2 बीज की दूरी यानी 2 पौधा की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। अगर विशेष प्रकार के मक्का लगाते हैं, जैसे गर्मा में भी हम स्वीट कॉर्न की खेती करते हैं, स्वीट कॉर्न में 2 लाइन की दूरी 75 सेंटीमीटर रखते हैं और 1 लाइन में 2 पौधा के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर रखते हैं। तो इस तरह से हम लोग खेती के समय में ध्यान रखते हुए आगे बढ़ सकते। भूमि का चयन सबसे अहम जरूरी है। अधिकतम बढ़वार और पैदावार के लिए अधिक उपजाऊ दोमट मिट्टी, जिसमें वायु संचार अधिक हो, पानी का निकास उत्तम हो और जीवांश पदार्थ काफी मात्रा में पाया जाता हो, गर्मा मक्के के लिए उत्तम मानी जाती है। जानकार कहते हैं कि मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 तक होने चाहिए। जल भराव मक्के की फसल के लिए बहुत हानिकारक होता है। अच्छी उपज लेने के लिए किस्म बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और मैं बताना चाहता हूँ, जो वर्षा के समय में आप लोग मक्का की खेती करते हैं, तो वर्षा के समय में जो भी किस्म 76 दिन से 85 दिन में तैयार होने वाली होती है, जिसे अर्ली वैरायटी कहते हैं, वो सारे वैरायटी हम लोग गर्मा में भी लगा सकते हैं। और जो किस्म यानी मध्यमकालीन है, 86 से 95 दिन में वर्षा के समय में तैयार होती है, उसे भी हम लोग गर्मा में लगा सकते हैं। जो देर तक तैयार होने वाली है उसको हम लोग नहीं लगाते हैं, जो एक्स्ट्रा अर्ली है उसको भी नहीं लगाते हैं। और इसमें जो नए नए किस्म आए हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर का DMRH 13-1, DMRH 13-5 बहुत ही अच्छी किस्म है, एक उजली, ये दोनों ही पीले किस रंग की है, और उजला रंग का एक है HM 12। इसके अलावा IMH 224, ये सब बहुत ही अच्छी उपज देने वाली है। अगर विशेष प्रकार के मक्का में जाए, जैसे कि स्वीट कॉर्न, तो इसके लिए बहुत अच्छी किस्म है सुगर N75। बीज उपचार के लिए हम लोगों को ध्यान में ये रखना है, जो बीमारी से बचाव के लिए हम बायोस्टीन का से उपचार कर सकते हैं। बायोस्टीन हम 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर लेते हैं, उसको बीज को फिर छाया में सुखा लेते हैं। और फिर कीड़ा से बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड 6 ml
प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करते हैं, फिर सुखा लेते हैं और तब फिर बीज को बुआई करते हैं।